जी हसन, फाइनली हमने फर्स्ट टाइम आज कोटा चाय पराठा ट्राई किया है। ट्राई नहीं किया अभी, बेसिकली हमने पराठे वगैरह उनके पैक करवाए, घर जाके सारों के साथ ट्राई करेंगे। काफी हाइप सुनी हुई थी इनकी। तो हसन आपने क्या, आपकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, आपने क्या हाइप सुनी? मेरे दोस्तों वगैरह ने खा के बड़ा रिकमेंड किया था कि अगर आपने ट्रू कोटा पराठा खाना है तो इससे ऊपर कोई जगह नहीं है। ये जगह भट्टे चौक में कोटा चाय पराठा, आप इंशाल्लाह व्लॉग पूरा देखेंगे तो आपको हम सारी डिटेल्स इसमें। अच्छा, मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जैक्ट लोकेशन बता दूं। आप जब एवेन्यू मॉल क्रॉस करते हैं और भट्टा चौक में एंटर होते हैं तो पहला सिग्नल आता है, आप सिग्नल की बिल्कुल राइट साइड पे देखेंगे तो आपको कोटा चाय पराठे का बोर्ड नजर आ जाएगा। तो एक ब्रांच इनकी यहाँ है, एक सदर में, लेकिन हमने यहाँ से ट्राई की है, इसके काफी अच्छे रिव्यूज सुने थे। अब देखते हैं कितनी हाइप असल ही, तो ट्राई करने के बाद घर जाके पता चलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर रश था, जिस तरह चाय का बहुत रश था, चाय के स्टॉल पे बहुत रश था। यहाँ पर ज्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स लड़के होते हैं तो वो आके चाय बहुत ज्यादा पीते हैं। इनकी चाय काफी मशहूर है, कड़क चाय जी, कड़क चाय इनकी बहुत मशहूर है जी। अस्सलाम वालेकुम, फाइनली हम कोटा चाय पराठा पहुंच चुके हैं और ये कोटा चाय पराठा है जहाँ जिसकी हमने हाइप बहुत ज़्यादा सुनी थी कि इनके पराठे और चाय बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के होते हैं। तो ये बेसिकली भट्टा चौक पे लोकेट करते हैं, जैसे मैंने वीडियो के इंट्रो में आपको पहले सब कुछ बताया है। तो इस तरह की यहाँ पर सेटिंग है सारी और ये अब हमारे पराठे बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ चाय तैयार हो रही है। अब ये बेसिकली पेड़े कर रहे हैं और पेड़ों के अंदर जिन्होंने कीमा वाला पराठा खाना होता है, कीमा चीज़ या चीज़ पराठा या आलू वाला पराठा खाना होता है, उसके अंदर उसी तरह ये इसको इसकी डो बना के उसके अंदर फिलिंग करते हैं, फिर उसको इस हॉट प्लेट पे तैयार करते हैं। अच्छा, मज़े की बात मैं बताऊँ, इनका जो लच्छादार ये पराठा है ये घर में आम नहीं बन सकता, क्योंकि इनकी डो में काफ़ी चीज़ों की मैरिनेशन हुई होती है तब जाके इतना मज़े का पराठा बनता है। ये इस टाइम देख रहे हैं आप, पराठे लग रहे हैं, ये सारे चीज़ पराठे लग रहे हैं। अब यहाँ तैयार हो रहे हैं हमारे कीमे वाले चीज़ पराठे और आप देख सकते हैं वो चीज़ के भर भर के दो स्लाइस डाल रहे हैं। मैं इनकी आपको प्राइस बताऊंगा तो आप सीरियसली हैरान हो जाएंगी। इनका जो कीमे वाला चीज़ पराठा है वो 220 रुपए का है, जिसके अंदर इन्होंने भर के चीज़ डाली हुई है, भर के कीमा डाला हुआ है, और इनका जो सिर्फ चीज़ वाला पराठा है वो 110 रुपए का है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने सस्ते में आपको चीज़ के साथ कुछ चीज़ आजकल मिलती है। तो अब इस टाइम ये तैयार हो रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं इसके अंदर आलू की, ये आलू चीज़ पराठा है और इसके अंदर साथ साथ ये लगा रहे हैं, ये आपका आया हॉट प्लेट पे पराठा, ये तैयार हो रहे हैं। आप शेप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की है। ये जी आ गई चाय, कड़क चाय यहाँ की, और इसकी भी खासियत ये है कि जो इसकी ये पत्ती तैयार करते हैं उसके अंदर ख़ास चीज़ें डाली जाती हैं, जिस वजह से इतनी अच्छी मज़े की कड़क चाय बनती है। और ये ज़्यादातर यहाँ स्टूडेंट्स और ये ज़्यादा जो जॉब पेशा लोग हैं वो ज़्यादा आके यहाँ पर ये चाय पीते हैं। आप देख सकते हैं ये इस टाइम चाय काट रहे हैं और चाय का कलर कितना मज़े का। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पराठे जो हैं वो हाफ डन हो चुके हैं। ये बेसिकली पराठे जर्मनी भेजने थे हमने, तो इसलिए हाफ डन करवाएं ताकि जब जर्मनी चले जाएँ तो ख़राब ना हो और वहाँ पर जाके वो इसको फुल फ्राई कर लें। इस टाइम हाफ डन हो गए और हम इसको पैक करवाएंगे इसके बाद, और पैक होने के बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से। अच्छा, अभी थोड़ा सा टाइम था पराठों को बनने में, तो हसन और मैंने सोचा कि इनकी कड़क चाय ट्राई करें। तो इस टाइम कड़क चाय रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कलर कितना मज़े का, और इसको वो पंजाबी में कहते हैं ना उबाला आ रहा है, उबाला कितना मज़े का आ रहा है। जी अब हमारे पराठे फाइनली पैक हो रहे हैं, आप इनका कलर देख सकते हैं, हालांकि अभी हाफ डन है, और इनका कलर कितना मज़े का लग रहा है।
तो आई होप ये खाने में भी बहुत मज़े के होंगे। तो आप लाजमी ट्राई करें, लाजमी विज़िट करें भट्टा चौक पे या इनकी सदर वाली ब्रांच पे कोटा चाय पराठा, और लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। थैंक यू सो मच।